ओम शांति। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची दूसरी घटना बताती हूँ, मेरे जीवन की, इस परमात्मा के साथ रहने की, परमात्मा के साथ देने की, किस तरह से परमात्मा साथ देता है। ईश्वर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, कोई कोई अपने आप को हर बात में ऐसा समझता है कि भगवान साथ नहीं देता है, भगवान हमें दुख देता है। तो देखिए, भगवान दुख नहीं देता, आप यकीन कीजिए। भगवान तो हमें सिर्फ और सिर्फ सुख देता है, वो तो हमें दुख देते हैं हमारे कर्म। मैं आपको सच्ची घटना बताती हूँ, यह भी बात 2018 की ही है। वो कुछ करीब ऐसे ही 14 जुलाई या 15 जुलाई की 2018 की बात है। मेरे पति जो हैं बहुत स्लो स्पीड से आ रहे थे, हॉस्पिटल के लिए निकले हुए थे, मेरे बेटे के पास आने के लिए तैयार होकर के निकले। वो 25 की स्पीड से थे, काइनेटिक से थे, टू व्हीलर से, और उनका स्पीड ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा, जिसमें ट्रैफिक होता है आना जाना एक ही तरफ से, उस रोड पर, वो मेन रोड पर के गिरे, खुद ही गिरे, कोई आगे पीछे कोई नहीं था, गाड़ी स्लिट हुई, कीचड़ था, मिट्टी मड था उधर, उसकी वजह से उनकी गाड़ी स्लिट हुई और स्लिप होने की वजह से वो गिरे, और वहाँ करीब ऐसे गिरे, अच्छे से ही गिरे, तो वो करीब करीब 3 मिनट उस रोड पर पड़े रहे। और उस रोड पर इतनी आवाजाही थी, इतने व्हीकल्स, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सभी आना जाना था, और 3 मिनट तक पति पड़े रहे। लेकिन उस समय उनके, जब तक वो उस प्लेस पे गिरे थे, उस प्लेस से एक व्हीकल भी, एक साइकिल भी नहीं निकली जब तक वो। और देखिए, परमात्मा जब आसपास कोई नहीं होता ना, ईश्वर जब आसपास कोई नहीं होता ना, तो निमित्त बनकर, कंबाइंड होकर ईश्वर उस मनुष्य आत्मा में, वही जो इफेक्ट हुई है, जो आत्मा के साथ घटना घटी है, उसे ही इतनी शक्ति दे देता है कि वह खुद ही उतना कैपेबल हो जाता है, इतना उसके अंदर बल आ जाता है कि वो खुद उठ सके। और ऐसा ही ठीक उस समय हुआ कि मेरे पति खुद उठे, नियर में ही था हॉस्पिटल, बहुत पास में था, ज्यादा दूरी पर नहीं गिरे थे, और सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 9 10 बजे का सुबह का टाइम, और उन्होंने गाड़ी भी थोड़ा खींच के लाए, हॉस्पिटल तक आए, प्राइमरी अपना ट्रीटमेंट कराया, बहुत लगी थी, हाथ में लगी थी, पैर में लगी थी, और नाई नी वगैरह सब में लगी हुई थी, थोड़ा दोनों हाथ में, और काफी डीप जाके उनको चोट लगी थी। लेकिन फिर भी देखिए, ईश्वर ने उन्हें इतनी हिम्मत दी, इतनी सक्षमता दी कि वो आकर के हॉस्पिटल में अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर से लिया जिस बच्चे क्या इमरजेंसी में वो बैठते थे, जो मेरे अब भाई हो गए हैं, बहुत अच्छा रिश्ता उनसे बन गया है, उनसे ही उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह करवाया और फिर उन्होंने उनको छुड़वाया। तो देखिए, ईश्वर का उस समय कोई व्हीकल नहीं आना, उतनी देर तक उनका उधर एक तरह से अनकॉन्सियस, जो बेहोशी की हालत में पड़े रहना और अकेले रहना, दूर दूर तक कोई नहीं, बैक में भी कोई, पीछे बैठने वाला नहीं, लेकिन ईश्वर का जब साथ रहता है और आपके कर्म जब अच्छे होते हैं, तो कर्म इस तरह से आपका साथ दे करके आपके जीवन की रक्षा करते हैं। किसी की दुआ हो सकती है, किसी के आपका सहयोग हो सकता है, किसी आत्मा का आपके द्वारा कुछ दिया हुआ कि नहीं, जन्मों का कर्म हो सकता है। तो यह कर्म हमारे साथ में, इस तरह से हमारा दुर्घटना के वक्त ईश्वर साथी बन करके हमारा साथ देता है। तो यह बात आप भूलिए मत, जरूर अपना आस्था रखिए ईश्वर से, आत्मा आध्यात्म से जुड़िए, ज्ञान में आकर के जुड़िए, और परमात्मा का साथ लीजिए। उम्मीद है आपको यह घटना बहुत अच्छी लगी होगी और ईश्वर का साथ भी बहुत अच्छा लगा होगा।
तो आप भी जुड़े रहिए और जोड़िए, और आपके पास में भी कोई इस तरह से घटना हो, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसमें आपने ऐसा अनुभव किया हो कि ईश्वर ने मुझे साथ दिया, तो आप जरूर साझा कीजिए ताकि और भी मनुष्य आत्माओं का आस्था बढ़े और उनको बल मिले और इस परमात्मा से, आध्यात्म से, ज्ञान से जुड़ करके फिर वो इस बात में विश्वास करें। ओम शांति।